This is Rashmi Sinha and I'm very happy to see you all again on my channel. And today I'm not going to teach you again because so many of you requested me. So a heavy request I got for the moral values videos, because I already made the video on how to be a good student and how to be a good parent. But there is a one issue which is come across to me so many times. Many of you are already asked for personally also, how to handle the teenagers. The teenage is actually an age or a phase where we all are feeling, we all are taking us a mature person. When we were in our teenage, तब भी यही था, हम सब ये सोचते थे कि हम बहुत mature हैं, हर situation को handle कर सकते हैं, हमारे decisions correct हैं. तो ये जो thinking है, ये इस age में होनी is very very common. और ये एक थोड़ा हार्मोनल चेंज भी कह सकते हैं आप. तो मैक्सिमम पेरेंट्स जो हैं वो इससे काफ़ी ट्रबल सम है और दे आर थिंकिंग कि उनके बच्चे उनके हाथ में नहीं है एंड दे आर गोइंग आउट ऑफ देयर रीच, दे आर गोइंग आउट ऑफ ट्रैक, दे आर डिस्ट्रैक्टेड, दे आर नॉट टेकिंग सीरियसली देयर लाइव्स. तो ऐसी जो थिंकिंग आपकी बन रही है, आज मैं उसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ये वीडियो पोस्ट करूँगी. और जो सबसे बड़ी चीज़ आपको मुश्किलें आएंगी, जो पांच मुश्किलें आएंगी वो आ रही हैं इस एज में, जो इस एज की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि इस एज के बच्चों में का एंगर बहुत हाई लेवल होता है. दे कम इन एंगर इन वेरी सून एंड इन वेरी सिली थिंग्स दे गेट एंग्री, जो कि बहुत ही कॉमन है. इसका रीज़न है वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, उनमें बहुत पावर होती है, क्योंकि एंगर का सेकेंड साइड है कि वो एनर्जी का फॉर्म है. तो दे आर वेरी एनर्जेटिक एंड दे आर वेरी पावरफुल, और उनका खुद का जो ब्रेन है वो काफ़ी हद तक मैच्योर हो चुका है. तो उन्हें लगता है कि उनकी सारी बातें क्या हैं वो सही हैं. इस वजह से जब हम उनकी बात नहीं सुनते हैं या उनको बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं या उनकी बातों को बार बार काटते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत एंगर में आ जाते हैं. जो सेकंड थिंग है, जो एंगर का सेकंड फेज़ है, वो है एरोगेंसी, यानी वो एरोगेंट हो जाते हैं, वो रिजिड हो जाते हैं अपनी बात पर कि नहीं, उन्हें जो चीज़ करनी है सो करनी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उन्हें कोई पार्टी थ्रो करनी है तो वो करेंगे ही करेंगे, अगर वो कोई लॉन्ग ड्राइव जाएंगे तो वो जाएंगे ही, या फिर वो अगर उन्हें मोबाइल चाहिए या उन्हें कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम देखना है तो वो देखेंगे ही. तो ऐसी चीज़ों की ज़िद पे अड़ना इज़ वेरी कॉमन. अब हमारा जो, मैं आपको भी इसके सॉल्यूशंस बताऊंगी, पहले आप प्रॉब्लम्स देख लें, जो जनरली पेरेंट्स के लिए एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें आदत नहीं होती अब तक कि उनके बच्चे उनको डिसओबे करें या उनकी बात नहीं सुने या उनकी ओपिनियंस को नेगेटिवली लें या उनकी सजेशन ना मांगे, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते. जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाना इज़ एक्चुअली द प्रॉब्लम. जो तीसरी प्रॉब्लम आती है वो है एंगर भी हो गया, एरोगेंसी भी हो गई. अब वो बड़ा लोनली रहना पसंद करते हैं, जैसे उन्हें सोशलाइज होना बिल्कुल पसंद नहीं होता, उन्हें हमारे रिलेटिव से मिलना पसंद नहीं, उन्हें हमारे सोसाइटी के फंक्शंस में जाना पसंद नहीं है. पता नहीं वो एकदम से इनसे अलग क्यों होने लगते हैं. तो हमें क्या लगता है, ज़रूर उनका कुछ पर्सनल अफेयर चल रहा है, या वो बहुत ज़्यादा अपने आप को हाई फाई समझ रहे हैं या हाई स्टैंडर्ड समझ रहे हैं इसलिए ऐसा नहीं कर रहे हैं, या उन्हें रिलेटिव्स के सामने कहीं कुछ क्वेश्चंस का आंसर ना देना हो इसलिए तो नहीं कहीं वो अवॉइड कर रहे हैं. और हम क्या होते हैं, उनके साथ नेगेटिव हो जाते हैं, उनके साथ फोर्सफुली उन्हें समझाने लगते हैं कि नहीं, यू हैव टू कम फॉर दिस पार्टी, यू हैव टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट, और ऐसे में बात बहुत बिगड़ जाती है और घर में डिबेटिक सा माहौल हो जाता है, आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा होने लगती है. आर्ग्यूमेंट भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो आर्ग्यूमेंटिंग हैं और बहुत कम एज से वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, डिबेटिक हो गए हैं और बात बात पे वो पेरेंट्स की बात को काटने लगते हैं. तो यहाँ पे सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो जाती है और बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो कई बार अपने बच्चों के लिए वॉयलेंट भी हो जाते हैं. तो ये जो वॉयलेंस है, ये एक रॉन्ग मैसेज चला जाता है कि आप अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि कलों के वो भी ऐसे पेरेंट बने, यानी वॉयलेंट हों या और अपने से छोटे लोगों के ऊपर वो हाथ चलाएं या अपने से छोटे लोगों को वो कमरे में बंद कर दें. तो ऐसी सिचुएशन भी हमने देखी कि कुछ छोटे बच्चे जो हैं वो अपने से छोटे बच्चों को कमरों में बंद कर देते हैं या उनके साथ कुछ मारपीट करते हैं या उन्हें पनिशमेंट्स देते हैं, क्योंकि उन्हें कोई दे रहा है पनिशमेंट तो वो उस चीज़ को किसी और पर निकाल रहे हैं. तो इन चीज़ों का जो सामना आप कर रहे हैं, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, इस एज के बच्चे बड़े एडवेंचरस होते हैं, उन्हें एडवेंचर करना बहुत अच्छा लगता है, जैसे लॉन्ग ड्राइव पर जाना, तेज गाड़ी चलाना, हाई वॉल्यूम पे म्यूज़िक सुनना या बहुत मज़े से बहुत घंटों तक डांस करना. तो ये इस चीज़ को नेगेटिव ना लें, क्योंकि ये एज में आप भी जब थे तो आपका भी यही सब
आपकी भी लाइकिंग थी, बस आपके पास क्या थी, चॉइसेस कम थी. अभी चॉइस बहुत ज़्यादा हो गई है, डिजिटल टाइम है, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में जो वो अवेल कर सकते हैं. इन चीज़ों का वो देख रहे हैं, उन्हें जितनी मोबाइल की किस्में मालूम है या गाड़ियों के मॉडल्स मालूम है या उनकी जितनी नॉलेज इस बारे में, वो शायद हमारी भी नहीं है. तो नाउ आई कम टू कंक्लूजन कि आपको करना क्या है इन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए. सबसे पहले तो थोड़ा पेशेंस रखें, सुने बातों को, उन्हें बैठकर पूछें उनके डिज़ायर्स क्या हैं, क्या डिज़ायर करते हैं वो. सिर्फ कपड़े पहनना चाहते हैं नए नए, या सिर्फ बाहर घूमना चाहते हैं, या सिर्फ दोस्त बनाना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं. उनके डिज़ायर पूछें और ये पूछें कि ये डिज़ायर का रिजल्ट क्या है, ये डिज़ायर उन्हें कहाँ से मिल रही है, कहाँ से वो सीख रहे हैं. या क्योंकि वो आपसे तो शेयर करेंगे नहीं, क्योंकि आपके साथ रह के अभी वो उब चुके हैं. उन्हें लगता है हमें नए लोगों को फ्रेंड्स बनाने चाहिए और उनकी ओपिनियन पर अपनी लाइफ को डिसाइड करना चाहिए. तो डेफिनेटली वो कहीं और से गाइड हो रहे हैं, तो आपको उस गाइडेंस की पॉइंट को जानना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें ये गाइडलाइन दे कौन रहा है. और अगर आप जड़ तक पहुंच जाएं तो भी आपको बिहेव बड़ा सिंपली करना है. ये नहीं कि बड़े आप गुस्से में आ गए या बहुत ज़्यादा आपने जो है वो बहुत ज़्यादा आपने डिबेटिंग सा माहौल बना लिया, या बहुत ज़्यादा आप सीरियस हो गए, बातचीत बंद कर दी, उनकी पॉकेट मनी बंद कर दी, उनके लिए सारे साधन बंद कर दिए, ये सब नहीं. आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पहले तो वो गाइडलाइन कहाँ से मिल रही है, और अगर मिल रही है तो वो गाइडलाइन देने वाला कौन है. अच्छा होगा कि आप उन्हें अच्छे से सेमिनार में ले जाने की कोशिश करें, अच्छी वर्कशॉप में ले जाने की कोशिश करें, कुछ वीडियोस उनके साथ शेयर करें. कहीं अगर वो मोबाइल पर हमेशा ऑनलाइन होते हैं तो आप भी कभी ऑनलाइन होकर उनके साथ कुछ अच्छे वीडियोस शेयर करें. इससे आपको उनके ओपिनियन का पता चले, भले ही आप CIDगिरी ना करें कि उनकी इंस्टा पे क्या चल रहा है, उनके फेसबुक पे कौन से फ्रेंड हैं. ये करके आप अपनी इमेज उनकी नज़र में गिरा लेंगे, ये सही तरीका नहीं है. बल्कि आप अपनी सोच उन्हें ट्रांसफ़र करें. शुरू में वो नकारेंगे, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको रिसर्च करेंगे, और जब आपको रिसर्च करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि मेरे मॉम एंड डैड भी करेक्ट हैं. क्योंकि एक कहावत है, आई ऑलवेज थिंक दैट माई डैड वॉज रॉन्ग बट आई corrected myself when I became a dad. तो जब तक हम उस सिचुएशन में खुद नहीं होते तब तक हमें हमारे लिए ये समझना कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं या हमारे पेरेंट्स ने ऐसा क्यों किया, हम कभी इसका आंसर नहीं खोज पाएंगे. तो पहले आपको तो ये समझ लेना है कि आपकी उनकी CIDगिरी नहीं करनी है. उन पर थोड़ा अगर वो आपको झूठ भी लगे तो भी आप थोड़ी देर के लिए उन पर ट्रस्ट करें, उन्हें उनकी फ्रीडम दें और उनकी चीज़ों को थोड़ा अप्रिशिएट करें. क्योंकि आपने अप्रिशिएशन करना भी बिल्कुल बंद कर दिया है. हाई एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत रखें, बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन कि आई वॉन्टेड टू सी यू एन IAS, आई वॉन्टेड टू सी यू ऑन दिस प्लेस और दिस पोस्ट, ये बिल्कुल गलत है. क्योंकि आपके चाहने से उनकी डेस्टिनी उन्हें वहां नहीं पहुंचाएगी. कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन जो है उन्हें वो रॉन्ग जगह पे वो चले जाएं और औरों से अपना रोना रोएं, दुख रोएं, उन्हें बहुत पेन हो और अल्टीमेटली वो आपसे बिल्कुल घर पे भी रह के वो आपसे कट जाए. तो यू विल लूज योर चाइल्ड. अगर आपने ये किया तो आप उन्हें बिल्कुल खो देंगे. तो नंबर वन थिंग, एक्सेप्ट करें. नंबर टू थिंग, पेशेंस रखें. नंबर थ्री थिंग, उनके साथ टाइम स्पेंड करें. नंबर फोर थिंग, उनकी एडवेंचर की रिस्पेक्ट करें, उनके साथ एडवेंचरस बने कहीं कहीं पर जहां आप कर सकते हैं, जहां टाइम दे सकते हैं. जो एडवेंचर आपको भी आपकी एज में पसंद थी वो आप करें उनके साथ मिलके. अपनी भी डिज़ायर्स और उनकी डिज़ायर्स को कॉमनली शेयर करें, बात करें उसके बारे में. उनकी ड्रीम्स क्या है वो डिसाइड करें, मिलकर बात करें. घर पर हंसी मजाक का माहौल बना के रखें, लाइट रखें हर सिचुएशन. अगर उनसे कोई गलती भी हो जाए तो प्लीज़ उन्हें माफ़ करें, क्योंकि वो आपके खुद के बच्चे हैं, आप उन्हें छोड़ भी नहीं सकते. तो प्लीज़ उन्हें फॉरगिवनेस जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, फॉरगिव करें और उन्हें ये फील कराएं कि आप एक अच्छे फादर या आप एक अच्छे मदर हैं. बिकॉज अल्टीमेटली वो आपका नाम आगे बढ़ाएंगे, वो आपके लिए प्राउड लेकर आएंगे. क्योंकि हर इंसान मरने के बाद सिर्फ तीन चीज़ें छोड़कर जाता है. ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कौटिल्य ने खुद कहा है. नंबर वन, अपने अच्छे काम. नंबर टू, अपना बनाया हुआ घर. और नंबर थ्री, अपने टैलेंटेड बच्चे. तो आपके जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो कल होकर देश का भी भाग्य बदलने वाले हैं. तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि अगर आज आपने उनके आइडियल कौन है ये पूछिए उनसे कि वो किसको आइडियलाइज करते हैं, फिर आपको पक्का पता चल जाएगा कि वो किस तरह की नेचर के हैं, वो क्या चीज़ें पसंद कर रहे हैं, उनकी उनकी कैसे कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही है. क्योंकि आप अभी उन्हें मोल्ड कर सकते हैं, उन्हें कन्विंस कर सकते हैं और उनका रास्ता भी बदल सकते हैं. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड बाय माय व्यूज़ एंड होप कि आप ऐसा कर पाएंगे.